गंग कैनाल में पानी की आपूर्ति बंद किए जाने से आक्रोशित किसानों ने आज ट्रैक्टर से प्रशासन को घेर लिया। उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें उनका एक हक पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। संत किसान मोर्चा के किसानों ने आज शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। गंगा सिंह चौक से भगत सिंह चौक तक पूरी रोड ट्रैक्टर से हटी हुई थी। धान मंडी से शिव चौक, सुखाड़िया सर्कल, बीरबल चौक होते हुए ट्रैक्टर रैली कलेक्ट्रेट पहुंची और यहां प्रशासन का घेराव किया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए गंगा सिंह चौक पर सभा की। इधर जीकेएस के किसानों ने आज चौथे दिन भी नेशनल हाईवे 62 को राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर साधुवाली के पास जाम रखा। यहां ट्रकों की लंबी कतारें थी। हालांकि आज आंदोलन को देखते हुए पंजाब से कुछ पानी छोड़ा गया, लेकिन किसानों का कहना था कि पूरा पानी मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। हाईवे से जाम हटाकर किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। यहां भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता लगाया गया। मौके पर पुलिस के साथ कुछ किसानों की छुटपुट भी हुई। बाद में समझाइश के बाद किसानों के शिष्टमंडल ने कलेक्टर से वार्ता की। कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बाद शिष्टमंडल ने दो दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि गुरुवार तक गंग कैनाल में 2800 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा जाता है तो किसान उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नवभारत समाचार, श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। सर, पानी अभी कुछ हजार क्यूसेक तो छूट गया है, कुछ वहाँ बाढ़ के हालात हैं, तो उसको कैसे पानी बढ़ा सकते हैं? इसके लिए कल मैं और एक्शन, हम जब तक पानी की स्थिति नहीं सुधरती तो एक दिन हम वहीं जाएंगे फिरोजपुर, और जहाँ भी कोई इश्यूज हैं जिसके कारण पॉन्ड लेवल नहीं बढ़ रहा उसको देखेंगे, उसको जल्दी ठीक करवा के पॉन्ड लेवल बढ़वाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा और लेवल जिस हिसाब से रिलीजेस कम हुए हैं तो उस हिसाब से हो सकता है कल परसों तक जो पानी आ रहा है हरीके पे कम हो जाए तो भी पॉन्ड लेवल बढ़ जाएगा, और प्लस कोई बंदे टूटे हैं उसमें कुछ उनको हमारी हेल्प चाहिए या और कुछ है वो जाके एक बार सारा देखेंगे, तो पॉन्ड लेवल बढ़ने पे ही अपने बीकानेर के नाल में पानी आया। नहीं, पानी आया तो यहाँ तक अभी जो बढ़ा हुआ पानी भी नहीं आया। बढ़ा हुआ पानी तो कल सुबह तक आएगा, लेकिन उतनी क्वांटिटी नहीं है क्योंकि पंजाब की भी डिमांड है तो वो उन्होंने पहले अपनी नहरों को खोल रखा है, तो हजार क्यूसेक जो पानी आया है वो कल सुबह तो यहाँ पहुँचेगा। कल कोशिश करेंगे कल और बढ़वाने की पूरी, इसको पॉन्ड लेवल बढ़वा के। और क्या सीएम साहब दखल नहीं ज्यादा साहब का तो सरकार का कुछ पता नहीं, हम तो अधिकारियों से जो बात हुई अभी मेन ये निकल के आ रही है कि फ्लड के कारण वो पानी नहीं गया, तो सारी स्थिति एक बार हम वहाँ मौका देख लेंगे कौन से गांव डूब रहे हैं उसमें क्या इफेक्ट अपने पड़ रहा है। तो हमारा ये मेन मकसद है कि पॉन्ड लेवल किसी तरह 688.5 जो है उसको 690 तक ले आए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उससे हमारा जो एक बार जो फसलों की बुरी स्थिति है उसमें सुधार होगा।